ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। अदालत ने कहा कि PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले दे विच पाकिस्तान दे चोण कमीशन नूं गलत जानकारी दित्ती सी। इस दे नाल ही ओह भ्रिष्टाचार दे विच शामिल सी। इस तों पहलां शनिवार नूं अदालत दे विच सुनवाई तों बाद दोपहर 12:30 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया सी, पर इस तों बाद भी जदों इमरान खान अदालत नहीं पहुंचे तां अज जज ने जिहड़ा की आ उहनां नूं फैसला सुना दित्ता गया। तां 3 साल की सज़ा सुनाई गई है इमरान खान नूं। अते तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे कि लाहौर तो गिरफ्तारी हुई दसी जा रही है, लाहौर तो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई दसी जा रही है। 3 साल की सज़ा जिहड़ी हैगी सुनाई गई, अगले 5 साल तक इमरान खान जिहड़े ने वह चोण नहीं लड़ सकते। इस दे नाल ही जिहड़ा कि जुर्माना भी लगाया गया गा, अदालत ने उन्हां नूं 1 लाख रुपए पाकिस्तानी जुर्माना भी लगाया होया गा। तां 3 साल तक की सज़ा सुनाई गई है तोशाखाना मामले के, 3 साल की सज़ा जिहड़ी सुनाई गई है। अगले 5 साल तक इमरान खान जिहड़े ने चोण नहीं लड़ सकणगे। तां अज गिरफ़्तारी हो चुकी हैगी लाहौर तो, उन्होंने गिरफ़्तारी हो चुकी है। तस्वीर भी तुहानूं सिद्धियां दिखा रहे हैं लाहौर तो, जिथे कि गिरफ़्तारी हो चुकी है इमरान खान की। उस तो बाद हुण उन्हां दा मैडिकल टैस्ट तो बाद जिहड़ा की है जेल दे विच उन्हां नूं लजाया जाएगा। तो 3 साल की सज़ा उन्होंने सुनाई गई है, 5 साल तक चोण नहीं लड़ सकते। तो अदालत ने कहा गा कि 1 साल 1 लाख रुपए का उन्होंने तो पाकिस्तानी जुर्माना भी लाया जाएगा। तो नाल ही PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले दे विच पाकिस्तान के चोण कमीशन को गलत जानकारी दी सी। तो अदालत की यह अदालत द्वारा यह कहा गया तो इस नाल ही वह भ्रिष्टाचार के शामिल से। तो इस तों पहला शनिवार को अदालत के सुनवाई तो बाद दोपहर 12:30 तक जिहड़ा कि यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पर इस तो बाद भी जो इमरान खान अदालत दे विच हाजरी नहीं लवाउंदे तां जज नूं इह अपना फैसला सुनाउणा पिया। हुण 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, गिरफ़्तारी भी जिहड़ी की है इमरान खान की हो चुकी है, अगले 5 साल तक चोण नहीं लड़ सकणगे।